चरखी दादरी के चंपापुर स्थित जलघर में 9 मई को एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए अब 2 आरोपियों को काबू कर लिया गया है, तो वहीं बाकी आरोपियों को भी जल्द काबू करने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि 9 मई को चंपापुरी निवासी विकास जलघर में घूमने गया था, उसी समय कुछ लड़कों ने विकास पर चाकुओं और डंडों से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद विकास की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत हत्या करने के मामले में थाना शहर दादरी में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं एक आरोपी का और नाम सामने आया है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो चंपापुरी में जो मर्डर हुआ उसमें 2 लोग हमने पकड़ लिए हैं, जिन्होंने मर्डर किया था। एक लड़के का और नाम आया है इसमें, उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें किस मामले को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ पता चला है सर, इसमें कोई खुलासा हुआ है? हाँ, ये पुरानी रंजिश कहते हैं, 7-8 महीने पहले इन्होंने हमारे को मार पिटाई की थी, चोट मारी थी, तो उसी रंजिश में ये किया गया है।